नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, इस खबर को, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में खबर है अपराध जगत से जुड़ी हुई। अपराध की अलग अलग तीन घटनाओं की खबर है। उन तीन घटनाओं का खुलासा हाल ही में पुलिस ने किया है। पहली खबर जुड़ी है मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत नवगर पुलिस स्टेशन से, जहां एक अपराधी ने खुद को सीआईडी ऑफिसर बताकर एक व्यक्ति के साथ एक लाख उन्नीस हजार रूपये तक के दागिनों की लूट की। वहीं दूसरी खबर है मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत ही है, लेकिन ये एक मामला है मीरा रोड पुलिस स्टेशन का, जहां पर गलती से बैंक खाते में 7 लाख रुपए ट्रांसफर होने के बाद पुलिस ने वो पैसा उसके असली मालिक को दिलवाया। वहीं तीसरा मामला जो है वो मामला है कल्याण के महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के अंतर्गत का, जहां पर पुलिस ने राह चलती महिला के गले से सोने की चेन खींचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बात करें, चर्चा करें विस्तार में, तो जैसा कि पहली खबर हमने आपको बताया नवगर पुलिस स्टेशन की खबर है, जहां ये आरोपी जिसको आप विजुअल में देख रहे हैं, इस आरोपी ने खुद को सीआईडी ऑफिसर बताते हुए बैंक में गए एक बुजुर्ग को रोककर उनको बोला, आगे चेकिंग चालू है, आपका सोने का जो भी सामान है वो उतारिए, मैं सीआईडी ऑफिसर हूं, और इस तरह से उनको धत्ता बताकर, पागल बनाकर, बातों में उलझाकर उनके 1,19,000 रुपए के स्वर्ण आभूषण लेकर फरार हो गया। बाद में उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की और पुलिस ने जब इस मामले से छानबीन शुरू की तो उस आरोपी को नाला सुपारा से गिरफ्तार कर दिया। आरोपी के पास से पुलिस को 1,10,000 रुपए की कीमत की वस्तुएं बरामद हो चुकी है। इस बारे में क्या कुछ पुलिस अधिकारी ने कहा वो आप आगे वीडियो में सुनेंगे। बात करते हैं दूसरी खबर, जो भी एक अहम खबर है, गलत बैंक अकाउंट में पैसा आ जाने का। यह मामला हालांकि अपराध का कम है, गलती का ज्यादा है, लेकिन इसमें भी अपराध होते होते बचा है। दरअसल मामला था एक महिला जिन्होंने मीरा रोड अंतर्गत अपने बैंक अकाउंट से किसी अपने परिचित को 7 लाख रुपया ट्रांसफर करने की कोशिश की, तब उनकी मानवीय भूल से, गलती से एक नंबर कुछ अलग हो गया और जिस खाते में पैसा जाना चाहिए था 7 लाख रुपया, उस खाते में नहीं जाकर दूसरे ही किसी खाते में वो पैसा चला गया। पैसा ट्रांसफर करने के बाद महिला ने जिनको पैसा भेजा था उनसे कंफर्म करने के लिए उनको फोन किया कि मैंने आपको 7 लाख रुपया भेजा, आपको मिला क्या? सामने से जवाब मिला, नहीं, आपका पैसा हमें नहीं मिला है। तब महिला ने फिर पूरी जांच पड़ताल की, तब उसे यह गलती का एहसास हुआ कि नंबर गलत थे और पैसा किसी और अकाउंट में गया है। महिला ने जब बैंक मैनेजर को इस बारे में बताया तब बैंक मैनेजर ने हाथ खड़े करते हुए बोला, ये आपकी गलती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तब महिला मीरा रोड स्टेशन पुलिस स्टेशन गई, वहां जाकर साइबर सेल की मदद ली और साइबर सेल ने महिला की मदद करते हुए बैंक में जानकारी निकाली और जिस खाते में वो पैसा गया था उस व्यक्ति से बात की। एक बार तो उस व्यक्ति की नियत पलट गई, उसने पैसा लौटाने से मना कर दिया। उसे बहाना बनाया कि मुझे लॉटरी लगी थी 7 लाख रुपए, इस लॉटरी का ये मेरे अकाउंट में आया है। लेकिन जब पुलिस ने कानूनी कार्यवाही की बात कही तब उसने वो पैसा लौटा दिया और इस तरह से एक महिला को अपना 7 लाख रुपया वापस मिल पाया। तीसरी जो घटना है, सीसीटीवी फुटेज जो आप पहले भी देख चुके हो और अभी भी सीसीटीवी फुटेज स्क्रीन पर चल रहा है, ये मामला है कल्याण का, जहां पर लगातार राह चलती महिलाओं के गले से सोने की चेन खींचकर आरोपी फरार हो जाते थे। ये भी हाल ही का मामला है, 11 जून को इस महिला जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है, इनके गले से सोने की चेन खींचकर दो आरोपी फरार हो गए। जब इन्होंने शिकायत की और पुलिस ने आरोपी की तलाश की तो पुलिस को आरोपी हाथ तो लगे ही, आरोपी के पास से 4 मोटरसाइकिलें बरामद हुई
और करीब 100 ग्राम सोने के आभूषण, 6 लाख से अधिक का माल बरामद हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास अपराध काफी है, उस अपराध से हमें बचने की आवश्यकता है। इस वीडियो में आगे देखिए इन मामलों से जुड़े हुए मामलों में पुलिस ने अपने प्रेस नोट में या अपने पुलिस अधिकारी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। दिनांक 23 जून को नौगर पुलिस स्टेशन में स्थानीय रहवासी मोहन शेट्टी इन्होंने खबर दी कि 23 तारीख को वो भाईंदर स्टेशन से निकल के जब उनके घर पर जा रहे थे तो जैसल पार्क परिसर में एक व्यक्ति ने उनको रुकाया और बोला कि इधर एक किडनैपिंग हुआ है छोटे बच्चे का। और ऐसा पता चला है, ऐसा खबर मिला है कि किडनैपर्स ने रेड कलर का टी शर्ट पहना था और आप भी रेड कलर का टी शर्ट है। तो मैं CID ऑफिसर हूँ, मुझे आपका इंक्वायरी करने का है, ऐसा बोल के उसको बाजू में लेके गया, दीवार के तरफ खड़ा रहने के लिए कहा और उसके बाद में एक फोन लगाया जैसा किया और फोन पर ऐसा बात किया, ऐसा जताया कि ये तो बहुत सीधा साधा लग रहा है लेकिन इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये भी चोर हो सकता है, ये भी किडनैपर हो सकता है। ऐसा उसने फोन पर ऐसा बात करने के से वो आदमी अपना फिरियादी और भी डर गया और फिर उसने बोला कि आपके आंख पे इतना कैसा सोना, ये निकाल के रखो बोल के। जब उसने निकालने के लग गया तो उसके हाथ से मेरे पास दो बोल के ले लिया और ऐसा बोल के इधर ही रुको, मेरे जो बाकी टीम है मैं उनको बुला के लाता हूँ बोल के उधर ही उसको रुकने को लगाया। जब 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए तो फिरियादी को लगा कि कुछ तो भी गड़बड़ है। जैसे वो जब पुलिस स्टेशन में आया सर क्या कहना चाहोगे, आपने तो कुछ 2 आरोपी 3 आरोपी को पकड़े कुछ देखते हो? यहाँ पे तो पहले पिछले 2 महीने में चेन स्नैचिंग की बहुत सारी वारदातें यहाँ पे हुई थी हमारे महात्मा पल्ली पुलिस स्टेशन और बाजारपेट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत। हमारे जो महात्मा पल्ली पुलिस स्टेशन के सीनियर PI श्री अशोक मनमानी साहब, क्राइम PI प्रदीप पाटिल और देव PI देशमुख और उनके DB टीम और उसके अमलदार, उन्होंने टेक्निकल एविडेंस पे उसकी तहकीकात करके 2 आरोपियों को ताबे में लेके उनसे जब पूछताछ की तब उनसे 5 चेन स्नैचिंग की गुने महात्मा पुलिस स्टेशन से और 2 बाजारपेट पुलिस स्टेशन से डिटेक्ट हुए हैं। उसमें से लगभग 100 ग्राम सोना रिकवर हुआ है, उसमें से यूज़ किए हुए 4 गाड़ियां भी वहाँ पर रिकवर हुई है, लगभग 6,90,000 का माल वहाँ से रिकवर हो गया और आगे की तहकीकात चालू। दूसरी वारदात ये हुई थी कि 27/6 को एक वारदात हुई थी, एक ओके कैफे था उसमें एक बूढ़ी औरत के पर्स वहाँ से छीना गया था, मतलब चोरी करके ले गया था। उस जो आरोपी है या उस चोर को हमारे पुलिस वालों ने 6 घंटे में वो दबोच लिया और उससे वो जो चोरी हुए 30,000 वो उनसे रिकवर किए हैं। इनका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड अभी उसकी तहकीकात चालू है, उनके इसके ऊपर बहुत सारे गुने दाखिल होने के भी चांसेस है, वो तहकीकात हमारी पुलिस कर रही है। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।